सन 1916 में होम रूल लीग कलकत्ता में किसने स्थापित की? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एनी बेसेंट ने। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ। 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल भी एक हो गए, क्योंकि 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हो गए थे, जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोबारा एक हो गए। तो 1916 का अधिवेशन दो तरीके से इम्पोर्टेंट है, एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यूनियन हुआ और दूसरा नरम दल और गरम दल का वहां पे यूनियन हुआ। हु क्रिएटेड द मद्रास प्रेसिडेंसी एज इट एग्जिस्टेड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस? मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता के समय तक अस्तित्व में था, किसने स्थापित किया? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सर थॉमस मुनरो ने। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन एक फेमस तबला प्लेयर है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जाकिर हुसैन। फाइनेंस कमीशन क्या है? तो फाइनेंस कमीशन एक पंचवार्षिक निकाय है जो कि हर 5 साल में सरकार द्वारा लाया जाता है, और जो अभी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है वो है 15th कमीशन, जिसके चेयरमैन है शक्तिकांत दास। दी ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहां पर है? तो यह है दिग्बोई में, दिग्बोई आसाम में स्थित है और 1901 में ऑयल फील्ड वहां पर स्थापित की गई। मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मुद्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो मनी है फ्लोटिंग कैपिटल या चलायमान पूंजी, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति होती है जब इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी जो सप्लाई है वो सेम रहती है या कम हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड जब बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने का कारण है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, या जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है लेकिन उसकी सप्लाई सेम रहती है, तो उस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी मींस? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर कंट्री हैज नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी जिस देश में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हीलियम। और सूर्य की जो ऊर्जा का कारण है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसकी वजह से सूर्य का तापमान इतना ज्यादा होता है। द टू मेटल आयन्स दैट कॉज हार्डनेस टू वाटर आर? जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु कौन से हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम और मैग्नीशियम। द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड बाथ ऑफ रेसिडेंस इज नोन एज? घरों की रसोइयों और स्नानघरों के द्रव या उसको वेस्ट को क्या कहते हैं? तो उसको सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, स्लज या मैला पानी। The orientation of an atomic orbital is governed by? परमाणु कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। The first organic compound synthesized in laboratory was? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यूरिया। और यूरिया सर्वप्रथम 1828 में फ्रेडरिक वोलर द्वारा सिंथेसाइज किया गया। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रेसिडेंट। द ऑयल इन द विक ऑफ लैंप राइजेज ड्यू टू?
लैंप की बत्ती में तेल किस कारण के ऊपर चढ़ता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी या केशिका घटना। स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड, अप्रभावी तरंग कब बनती है, तो अब यह स्टेशनरी वेव बनती है जब टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चालित समान आकृति के दो तरंगों के द्वारा, यानी जब दो अपोजिट डायरेक्शन से जब वेव आती हैं तो वह एक स्टेशनरी वेव का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर चार इस सवाल का सही जवाब है। द फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। और ये मैं आपको बता दूं कि फ्यूज वायर इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड हैविंग कंपोजिशन ऑफ 63% ऑफ टिन एंड 37% ऑफ लेड। विच सेल इन अवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में न्यूनतम पुनर्योजी शक्ति होती है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, ब्रेन सेल। इसलिए आप देखते हैं कि कई बार ब्रेन में अगर किसी व्यक्ति के कोई दिक्कत हो जाए तो उसको काफी समय लगता है उस दिक्कत को ठीक होने में, क्योंकि जो ब्रेन सेल होते हैं मस्तिष्क की कोशिकाएं उनमें सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज द अर्थ, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के जैसा बड़ा ग्रह कौन सा है, उसका सही जवाब है ऑप्शन तीन, वीनस ग्रह या शुक्र ग्रह। और साइज के हिसाब से बढ़ते घटते क्रम में मैंने यहाँ पे इनको दिखा रखा है जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट है, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। सॉइल विच इज प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन इज कॉल्ड, वर्षा के कारण प्रखर निक्षालन की संभावना कौन सी मिट्टी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर वन, लेटराइट। और ब्लैक ऑप्शन नंबर टू, ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, जवाहरलाल नेहरू ने। हुज क्रीमेशन साइट हैज बीन नेम्ड एज शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी क्रीमेशन साइट है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, इंदिरा गांधी। हु इन्वेंटेड द बैटरी, बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो उसका आविष्कार किया वोल्टा ने सन 1800 में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।